वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और आपको फुल फील कराने वाली है, प्लस ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये राजमा जैसा दिख रहा है पर ये राजमा नहीं है, ये है लोबिया, जिसे हम ब्लैक आइड पीस भी कहते हैं। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी शुरू कर देते हैं। तो ये है टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर है और ये लाल खड़ी मिर्च है। तो इन दोनों को मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूँगी और इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट हमारा बन चुका है, इसमें सिर्फ टमाटर और लाल खड़ी वाली मिर्च है, सूखी लाल मिर्च जो होती है। देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। तो मैं इसे साइड रख दूँगी, इसे हम बाद में रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब मसालेदार लोबिया की दाल बनाने के लिए मैं जल्दी जल्दी से प्याज जो है वो कट कर लूँगी। तो इस तरीके से छोटा छोटा बारीक बारीक प्याज को कट करना है हमें। अब एक प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर रख के गैस को ऑन कर दिया है। इसे गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल मैं यूज़ करूँगी, और ये वेट लॉस रेसिपी है तो ऑयल इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। देख लीजिए ध्यान से, ये ऑयल की क्वांटिटी है 1 to 2 टी स्पून आप ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये सरसों का तेल है। तेल को गर्म हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी राई यानी मस्टर्ड सीड्स। दाल चाहे जो भी हो, थोड़ी सी हींग उसके जायके को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग। अब हम इसके अंदर हमारी कटी हुई प्याज डालेंगे, इससे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। चॉप्ड अनियन के बाद हम इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे प्याज के साथ। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और खड़ी लाल मिर्च का वो पेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में तैयार किया था। बहुत ही इजी रेसिपी है, ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें वही यूज़ होते हैं जो आपके घर में ईजिली अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया है मैंने। अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। एक छोटा चम्मच धनिया का पाउडर मसालेदार दाल के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। मिर्च मैं इसमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लाल जो सूखी हुई कड़ी मिर्च यूज़ की है वो बहुत तीखी होती है, तो मिर्च इसके अंदर हम यूज़ और नहीं करेंगे एक्स्ट्रा थोड़ा। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल अलग ना होने लग जाए। हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया है, इसका सारा पानी सूख चुका है और किनारों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल भी इसमें हमें दिखने लगा है। अब हम इस दाल के अंदर अपना मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे यानी कि लोबिया। ये लोबिया जो है मैंने सोक करके रखा था ओवरनाइट। अगर आप सारी रात सोक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इसे आधे घंटे गर्म पानी में सोक कीजिए। तो ये भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी अच्छे से। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी जितना आपको दाल अपनी थिक रखना हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैं इसे ब्राउन राइस के साथ खाने वाली हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा पतला ही बनाऊँगी। तो अराउंड 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर का जो है ढक्कन लगा के इसे प्रेशर कुक करेंगे 2 सीटियाँ आने तक। और आफ्टर 2 विसल्स हमारी दाल एकदम रेडी हो चुकी है। देखिए इसे मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये मसालेदार दाल आपको वेट लॉस तो देगी ही, साथ ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए सूखा हुआ पुदीना इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और देखिए ये करीब से कितनी अच्छी नज़र आ रही है, लाइटिंग की वजह से ये दूर से ठीक नहीं दिख रहा था। तो ये दाल बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। तो आप भी ट्राई कीजिए ये आसान सी रेसिपी, और इसको एंजॉय कीजिए अपने वेट लॉस मील में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए।
और अब मैं भी इंजॉय करने वाली हूँ अपना मील। ये मेरा लंच था, सो आप भी खाएं एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।